is me, Chef Shahina Shumail, and you're watching Cooking with Shahina. आप देख रहे हैं Cooking with Shahina, और यहाँ पर बनने वाली है आज बहुत ही मजेदार सी रेसिपी. और बेसिकली ये रेसिपी जो होती है वो स्टार्टर के तौर पे होती है, क्योंकि ये मेन कुजीन से बिलोंग नहीं करती. ये स्टार्टर के तौर पे आप लोग यूज कर सकते हैं. तो आज यहाँ बन रहे हैं फ्राइड विंग्स, और विंग्स जो होते हैं वो बहुत मजेदार बनते हैं. और मैं आपको कोरियन फ्राइड विंग्स भी बनाना सिखा चुकी हूँ, लेकिन आज यहाँ पर मैं बना रही हूँ क्रिस्पी फ्राइड विंग्स. क्रिस्पी फ्राइड विंग्स बनाने के लिए यहाँ पर मैंने दिए हैं 500 ग्राम मैंने लिया है. यहाँ पर बाजू लिए, विंग्स लिए मैंने 500 ग्राम, आधा किलो ये मैंने विंग्स लिए. और विंग्स को जो है वो आप देख सकते हैं कि मैंने इस तरह से उसको कट नहीं करवाया है, उसको मैंने साबुत उसको निकाला है ताकि उसको फ्राई करें तो उसकी बहुत अच्छी सी लुक आए. साथ साथ इसके साथ मैं एक बना रही हूँ, डिप बना रही हूँ. और मैं डिप बना रही हूँ आज मायो गार्लिक डिप बना रही हूँ. और बहुत ये डिप जो आपको मैं बनाना सिखा रही हूँ, ये बहुत सारी रेसिपीज में आपके लिए काम आ सकती है. आप सैंडविचेस में यूज़ कर सकते हैं, आप बर्गर्स में यूज़ कर सकते हैं, आप इसको स्टार्टर के तौर पे कोई भी अगर आप डिश बना रहे हैं उसके साथ यूज़ कर सकते हैं. और विंग्स के साथ ये बहुत अच्छा सा कॉम्प्लीमेंट देती है. इसके साथ साथ जो है वो विंग्स के अंदर क्या इंग्रेडिएंट शामिल होंगे तो मैं वो भी बता देती हूँ आपको. यहाँ पर मैंने लिया है पैप्रिका पाउडर, और ये मैं इस्तेमाल करूँगी इसमें 1 टीस्पून. साथ साथ मस्टर्ड पेस्ट है मेरे पास, 1 टीस्पून मैंने इसमें मस्टर्ड पेस्ट लिया है. चिकन पाउडर है मेरे पास 1 टेबल स्पून. इसके साथ साथ जो है वो सिरका यानी कि विनीगर मेरे पास मौजूद है 2 टेबल स्पून. हम इसमें यूज़ करेंगे, थोड़ा सा हम सॉस में यूज़ करेंगे. इसके साथ साथ मेरे पास यहाँ मौजूद है ये सॉल्ट, साथ साथ कॉर्नफ्लावर, ब्लैक पेपर पाउडर, सोया सॉस, गार्लिक, मैदा यानी कि फ्लावर, और इसके साथ साथ लहसुन पेस्ट और मायोनीज जो हम डिप में यूज़ करेंगे. ये हो गया आज के सिंपल से इंग्रेडिएंट्स. बहुत ही झटपट बनने वाली है, बच्चों को बहुत स्पेशली पसंद आती है, और आप लंच बॉक्सेस में भी ये रेसिपी दे सकते हैं. तो इसका एक ये दो आपको मिलेंगे. अच्छा, इसके साथ साथ हमने करना है इसको मैरिनेट. तो हम ले लेते हैं एक बाउल, बाउल मैंने यहाँ पर ले लिया है. विंग्स यहाँ पर मेरे पास मौजूद है, अब मैं करने वाली हूँ इसको मैरिनेट. तो साथ साथ मैं ले लेती हूँ एक स्पून, और एक ले लेती हूँ मैं टोंग. यहाँ पर ले लिया है मैंने स्पून, और सबसे पहले जो ये विंग्स है बहुत अच्छे से इसको वॉश किया हुआ है. और ये तकरीबन कितने पीस हैं, 2, 3, 4, 5 पीस 500 ग्राम की इसमें, यानी कि 100 ग्राम का एक पीस है. जी, तो सबसे पहले इसके अंदर हम शामिल करने वाले हैं यहाँ पर पैप्रिका पाउडर, और ये लिया है मैंने 1 टीस्पून इसके अंदर. साथ साथ मेरे पास विनीगर है, 2 टेबल स्पून ऑफ विनीगर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ. सोया सॉस मेरे पास है 1 टेबल स्पून, आई एम गोना ऐड दिस. सोया सॉस से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, ट्रस्ट मी, ज़रूर आप लोग डाला करें. अच्छा, इसके साथ साथ ये सॉल्ट है, सॉल्ट में आप अपने टेस्ट के हिसाब से यूज़ करा करें. तो यहाँ पर मैंने ये सॉल्ट ऐड किया है. इसके साथ साथ जो है वो यहाँ पर मेरे पास मौजूद है ब्लैक पेपर पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर मैंने इसके अंदर शामिल किया है. लहसुन पेस्ट मैं अब इसमें शामिल कर रही हूँ, और ये मैंने लहसुन पेस्ट शामिल किया है इसके अंदर. थोड़ा सा मैं इसके अंदर चिकन पाउडर शामिल करूँगी, और थोड़ा सा हम अपना एक बैटर बनाएंगे उसमें शामिल करेंगे. साथ साथ जो मस्टर्ड पेस्ट है ये मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ. ये मैंने मस्टर्ड पेस्ट इसके अंदर ऐड कर दिया है, और रिपीट कभी कर देती हूँ साथ साथ कि मैंने क्या क्या चीज़ें ऐड करी हैं. मैंने इसमें ऐड किया है सोया सॉस, विनीगर, एंड देन इसके अंदर ब्लैक पेपर ऐड करा है, सॉल्ट ऐड करा है, गार्लिक पेस्ट ऐड करा है मैंने, और इसके अंदर चिकन पाउडर ऐड करा है, पैप्रिका पाउडर ऑल्सो. अच्छा जी, ये मैरिनेशन का मैंने आपको हमेशा बताया कि 2 आवर्स आपने इसको मैक्सिमम टाइम देना है, 2 आवर्स तक आपने इसको मैरिनेट करना है. लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं तो आप 1/2 आवर ज़रूर इसकी मैरिनेशन टाइम दें, क्योंकि मैरिनेशन से इसके अंदर जूसेस वगैरह सारे आते हैं, और ये बहुत अच्छे से फिर क्रिस्पी जो है ना ये फ्राई भी हो जाती है, क्योंकि विनीगर वगैरह हमने इसमें डाला हुआ होता है तो वो गलाने में भी आपकी हेल्पफुल होता है. ये मैं इसमें अच्छे से बस मैंने इसमें मैरिनेट करके, और जितनी देर मैं इसको मैरिनेशन टाइम दे सकती हूँ उतनी देर मैं इसको मैरिनेशन टाइम देती हूँ. और इसके साथ साथ हमने बनानी है यहाँ पर एक डिप बनानी है, तो हम आ जाते हैं अपनी डिप की तरफ. जितनी देर हम इसको मैरिनेशन कर सकते हैं उतनी देर हम इसको मैरिनेशन टाइमिंग देंगे. और मैंने ये रख दिया है बैग पर. बोर्ड ले लेती हूँ मैं, गार्लिक मुझे चॉप करना है.
और एक अदद मैं ले लेती हूँ बोल। इसको यहाँ से हटा देते हैं हम। जी तो गार्लिक को हम चॉप कर लेते हैं यहाँ पर, रफली सा चॉप करिएगा, बहुत ज़्यादा फाइन नहीं, क्योंकि थोड़े से चंक्स जो होते हैं वो अच्छे लगते हैं इसके अंदर। और अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसमें गार्लिक पाउडर यूज़ कर सकते हैं, उससे भी वही फ्लेवर आता है लेकिन फ्रेश गार्लिक का ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन इफ़ अगर नहीं पसंद है चंक्स वगैरह, सिर्फ फ्लेवर वाली सॉस पसंद है, तो आप इसमें गार्लिक पाउडर 1 टेबल स्पून आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मायोनीज मैंने लिए यहाँ पर 1/2 कप। थोड़े से बड़े पीसेस जो होते हैं वो ज़रा चॉपिंग में मज़ेदार रहते हैं। जी तो अब हम कर लेते हैं इसको चॉप्ड। रफली सा बिल्कुल आपने इसको फाइनली चॉप कर लेना है। जी तो अब कर लेते हैं हम इसकी मजीद चॉपिंग, इसको बहुत अच्छे से फाइनली कर लेते हैं। ये वाला मुझे ज्यादा लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा इसको अभी नहीं यूज करा है, 2 मैंने इसके अंदर लिए, लेकिन थोड़ा सा अगर आप थोड़े बड़े जवे लिए मैंने इसके अंदर ना, तकरीबन अगर हम इसको टेबल स्पून से काउंट करें तो ये 1.5 टेबल स्पून होगा। जी तो गार्लिक यहाँ पर हमने कर लिया है चॉप, और आप देख लें मैंने बहुत ज़्यादा फाइन नहीं करा, मैंने इसके सिर्फ चंक्स रखे। सॉस ले लेंगे हम, अब हम इसकी आ जाते हैं प्रिपरेशन की तरफ। गार्लिक हमने लिया है और ये गार्लिक मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। 1.5 टेबल स्पून है ये अगर आप इस तरह से देखेंगे तो। पिंच ऑफ हम लेंगे इसके अंदर सॉल्ट, पिंच ऑफ सॉल्ट, ब्लैक पेपर, एंड देन हम इसके अंदर ऐड करेंगे विनीगर। लेकिन विनीगर ऐड करने से पहले हमें मायोनीज इसके अंदर ऐड करनी है। स्पैचुला ले लूंगी मैं, ये मैं 1/2 कप जो है वो मैंने मायोनीज ली है इसके अंदर, और इसी स्पैचुला से ही मैं इसको मिक्स करूंगी। अच्छा जी, अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी विनीगर, बहुत मज़े की सॉस बनती है ये। तकरीबन मैंने 1 टेबल स्पून इसके अंदर विनीगर ऐड किया है। थोड़ा सा हम इसमें वाटर ऐड करेंगे, इसको थोड़ा सा रनिंग करेंगे हम, और वाटर बहुत ज़्यादा आपने ऐड नहीं करना, आपने इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून ऑफ वाटर ऐड करना है। That's it. बर्गर में लगाएं, सैंडविचेस में लगाएं, इसके साथ आप ये सॉस लगाएं, दैट्स आप चिकन का पीस रखें, अदरवाइज आप कोई भी वेजिटेबल्स काट के इसमें फ्रेशली रखें और सैंडविचेस बनाएं, बहुत मज़ेदार बनते हैं। और इसके अंदर भी आप छोटे छोटे जो है ना वो वेजिटेबल्स काट के और इसके अंदर भी मिक्स कर सकते हैं और इसके भी सैंडविचेस बना सकते हैं।
और चिकन श्रेड करके भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। तो ये सॉस आपके बहुत सारी चीजों में काम आने वाली है। जी तो सॉस हमारी हो गई है रेडी, इसको भी मैं बैग पे रख देती हूँ और बाकी के इंग्रेडिएंट्स यहाँ से मैं हटा रही हूँ। एक बाउल लिया है हमने और इसके अंदर हम मिक्स कर मैरिनेट कर देते हैं। हमें मैरिनेशन तो हमने कर ली थी लेकिन हम इसका जो है ना वो उसकी कोटिंग तैयार करेंगे। इसकी कोटिंग के लिए यहाँ पर लिया है मैंने हाफ कप मैदा, हाफ कप कॉर्नफ्लावर, साथ साथ चिकन पाउडर, पैपरिका पाउडर एंड इसके अंदर मैं सॉल्ट ऐड करूंगी। सॉल्ट मैंने बैग पे रख दिया था तो यहाँ पर मैंने ऐड किया है इसके अंदर सॉल्ट। बाकी की चीजें यहाँ से हटाएंगे। इसको मिक्स करेंगे। हमने इसकी मिक्सिंग कर ली है, साथ साथ हमारी डिप तैयार हो गई है और साथ साथ हमने कर लिया है इसको मैरिनेट। तो यहाँ हमने सारा अपना काम तकरीबन कर लिया है, बस हमें करनी है इसकी फ्राइंग। और इसके साथ ही साथ जो है वो मैं आपको बता दूँ, वीनस एजी टी वी का यूट्यूब चैनल भी है, आप वहाँ जाकर हमें अपना फीडबैक दे सकते हैं, कॉमेंट कर सकते हैं और साथ साथ हमारी रेसिपीज डेली अपलोड होती हैं। आपने क्या करना है, सिर्फ कुकिंग विद चाइना वीनस लिखना है और हमारी रेसिपीज देखनी है। और प्रोग्राम का टाइम हमारा चेंज हो गया, पहले दोपहर 3 बजे का टाइम था, अब हमारा शाम 5 से 6 के दरमियान मंडे से फ्राइडे आप मुझे देख सकते हैं। और इसके साथ ही साथ मेरा अपना पेज है, फेसबुक पेज है शेफ शाहिना शमाइल के नाम से। इफ़ अगर आपको कोई बात, कोई रेमेडी पूछनी है, कोई बात मुझसे करनी है या आपको रेसिपीज़ का मुझसे पूछना है या आप चाहते हैं कि मैं कोई ऐसी रेसिपी यहाँ पर बनाऊँ जो मैंने अब तक नहीं बनाई है, और तो फिर आप मुझे जाके वहाँ पर मैसेज भी कर सकते हैं। और साथ साथ जो है वो आप, मैं अपने पेज पे चीज़ें अपडेट करती रहती हूँ, अपलोड करती रहती हूँ, उसको लाइक एंड शेयर किया करें। अच्छा जी, मैरिनेशन टाइम हमें कोशिश करी थी, इसको दे दिया है। तो अब हम इसको थोड़ा सा, मैं इसको फ्लिप भी करके चेंज करके भी मैरिनेट, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे सकी हूँ इसको, आपने तकरीबन 2 आवर्स का इसको देना है। अच्छा जी, ये जब तक ये और इसको मज़ीद मैरिनेट होता है, एक टाइम आ गया एक छोटे से ब्रेक का। चलते हैं एक ब्रेक की जानिब और लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अवर ब्रेक एंड अ वेरी गुड इवनिंग। और ब्रेक से आ चुके हम वापस, और ब्रेक पे जाने से पहले यहाँ क्या हो रहा था, ब्रेक पे जाने से पहले यहाँ पर सारी हो रही थी मैरिनेशन और तमाम मैरिनेशन हो गई है कंप्लीट। और आज बन रही है बहुत ही मज़ेदार सी यहाँ पर रेसिपी बन रही है, यहाँ पर बन रही है क्रिस्पी फ्राइड विंग्स। उसके लिए मैंने क्या किया था, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हो सकता है मुझे अभी देखना शुरू किया हो तो मैं उनको एक छोटा सा रिकैप दे दूँ। तो यहाँ पर मैंने लिए थे 500 ग्राम्स विंग्स लिए थे, उसके अंदर मैंने मस्टर्ड पेस्ट 1 टीस्पून, 1 टीस्पून मैंने गार्लिक पेस्ट, 2 टेबल स्पून मैंने विनीगर, 1 टेबल स्पून मैंने सोया सॉस, साथ साथ मैंने लिया था थोड़ा सा पैप्रिका पाउडर, सॉल्ट मैंने लिया था, चिकन पाउडर एंड देन ब्लैक पेपर। ये सारी चीज़ें लेके मैंने इसको कर दिया था मैरिनेशन। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने यहाँ पर रख दिया था ऑयल गरम करने, और ऑयल मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ज़्यादा ही अब गरम ना हो जाए तो मैं फ्लेम को थोड़ा सा लो कर रही हूँ। अच्छा, साथ साथ मैंने बनाया था यहाँ पर एक मिक्सचर बनाया था, ड्राई मिक्सचर। ये मैंने किस तरह बनाया था, ये ड्राई मिक्सचर मैंने बनाया था इस तरह, मैंने लिया था हाफ कप इसके अंदर कॉर्नफ्लावर, हाफ कप मैंने इसके अंदर फ्लावर, साथ साथ मैंने पैप्रिका पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, चिकन पाउडर एंड देन मैंने इसके अंदर सॉल्ट ऐड करके इस मिक्सचर को मिक्स कर लिया था। हाफ कप इसके अंदर मैदा है और हाफ कप इसके अंदर कॉर्नफ्लावर। यहाँ मेरे पास चिल वाटर मौजूद है, ठंडा पानी। और इसके साथ साथ यहाँ पर मैंने बनाई थी डिप, और डिप मैंने कैसे बनाई थी, मैंने लिया था इसके साथ मायो, गार्लिक डिप बनाई है मैंने, और इसके लिए लिया था मैंने हाफ कप मायोनीज दी थी, उसके अंदर मैंने इसके अंदर शामिल करा 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, साथ साथ मैंने इसके अंदर लिए थे गार्लिक क्लोव्स, अगर आप, क्योंकि वो थोड़े बिग साइज़ के थे, अगर आप मेजरमेंट वैसे करें तो 1.5 टेबल स्पून इसके अंदर चॉप गार्लिक मैंने यूज़ करा है,
साथ मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून विनीगर ऐड किया है, थोड़ा सा पानी ऐड किया और ये हमारी हो गई है डिप तैयार। आ जाते हैं बाकी के काम की तरफ। फ्राई करना है हमने, ऑयल हमारा ऑलरेडी जो है वो गर्म हो चुका है, तो सबसे पहले फ्राई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं ग्लास पहन लूँ। जी तो ये स्पून यहाँ से हटा देते हैं हम और सबसे पहले जो है वो इसको अच्छे तरह हाथों से इसके अंदर ये मिक्सचर हम लगा देते हैं ताकि ये अंदर से फीके फीके से ना निकले, बहुत मज़ेदार सा इनका फ्लेवर निकले। जी तो यहाँ पर ये विंग्स है, इसको मैं इसमें कोटिंग में, देन मैं इस तरह से अगेन इसको कोट कर रही हूँ क्योंकि हमें इसकी बनानी है क्रिस्पी कोटिंग, और क्रिस्पी कोटिंग के लिए हमें बहुत सारा सा इसमें अच्छा सा मैदा प्रेस करके लगाना है। इस तरह से आप इसको प्रेस करें ताकि इसके सारे साइड्स वाइड्स में अच्छे से, अच्छा प्रेस करने के बाद आपने इसको थोड़ा सा डस्टी करना है इस तरह से आप इसे, ताकि इसके अंदर फेदर सा बने। उसके बाद आपने इसमें ये लेना है यहाँ से चिल वाटर एंड देन अगेन हम इसमें करेंगे मैदे की कोटिंग, और उसके बाद हम इसको दोबारा से ये डस्टी सा करेंगे और देखें आप कितना मज़ेदार सा ये बना है हमारा फेदर सा और बहुत अच्छे से ये फिराए होंगे। ठीक है जी, अब हम इसको, और बहुत ज़्यादा इसमें ये नहीं कि आप जल्दी जल्दी इसके अंदर डाल दें और सब कर दें, नहीं, और फ्लेम को थोड़ा मीडियम फ्लेम पे रखेंगे हम क्योंकि फ्राई चीज़ें थोड़ा सा अच्छी सी फ्लेम पर ही होती हैं, तो मैंने फ्लेम जब लो करी थी तो मैंने उसको अब हाई कर दिया है। ठीक है जी, इस तरह से आपने मज़ीद इसके अंदर ये लेना है, इसको आप डस्टी करेंगे, उसके बाद आप इसके अंदर देन आप इसको ये इस तरह से मिक्स करेंगे और इसको हम जो एक्स्ट्रा हमारा है इसको हम करके ये इस तरह से हम इसमें शामिल करेंगे। आई थिंक मैं इसमें बस 1 मोर ऐड करूँगी एंड दैट्स इट, बहुत ज़्यादा मैं इसमें ये इस तरह से अगेन हम करेंगे। को थोड़ा सा ऐसे करा ठंडे पानी में और देन इसको हमने इसको मैं अब इस तरफ डालूंगी, ग्लव्स को रिमूव कर देते हैं और टोंग से इसको हम थोड़ा सा पीछे ही रहिएगा। वाह बहुत ज़बरदस्त ये फ्राई हुआ है बिल्कुल परफेक्टली, देखिए 3 भी जो है ना ये बहुत ज़्यादा वो कर रहे हैं इसके अंदर ना। ज़बरदस्त सा ये हमारा यहाँ पर फ्राई हो रहा है, ये फ्राइंग का वेट करते हैं और जब तक ये जो हमारे 2 और हैं इनको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, और ये वाला मैं इसमें डाल दूँगी तो फिर ये चटपट सा हो जाएगा। दूसरा ग्लास यूज़ कर लेते हैं। इसका ख्याल भी रखना है आपने, ऐसा ना हो कि ये थोड़ा सा ज़्यादा कलर आ जाए, तो आप इसको चेक करते रहेंगे। ठीक है, इस तरह नहीं कीजिएगा, ये प्रैक्टिस का है सारा काम, कलर नहीं आए, बहुत केयरफुली ऑयल का काम, स्पेशली ऑयल का काम, अवन का काम, ये सारे जो काम होते हैं ना ये बहुत केयरफुली करा करें, अवन को हमेशा क्लोज करा करें, उसके सारे जो इसके जो मीटर्स होते हैं, सारा जो इसके ऑप्शंस होते हैं, सारे ऑप्शंस क्लोज करके उसके बाद अवन का डोर खोला करें क्योंकि वो बहुत डेंजरस होता है। समटाइम उसमें ये होता है कि गैस बन जाती है, फिर वो एकदम से जो है ना वो, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें कभी भी कुछ भी फॉल्ट आ सकता है, कभी भी वो ख़राब हो सकती है, तो आपका
ये कि अपनी केयर करनी है आपने, और अपनी केयर कैसे करनी है कि चीज़ों को सही तरह यूज़ करना है, चीज़ों का सही तरह यूटिलाइज करना है। अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं ये, और ये वाला तो मुझे लग रहा है कि बहुत मज़ेदार सा जो है ना वो फ्राई हो गया है। मैं इसको भी चेक कर लूँ, थोड़ा सा इसमें है। अच्छा, आपको ये ना हो कि जो है ना ये अंदर से थोड़ा सा ऑयल ना गया हो, कच्चा ना रह गया हो, तो उसके लिए आप पता है क्या करें, एक लें आप इस तरह का फोक और इसमें इस तरह से कर दें, ठीक है। उसके बाद इसको टर्न करें, ये रहे, ताकि ये अंदर से अच्छी तरह फ्राई हो जाए। ये देखें, आवाज़ आ रही है आपको, ये इसके अंदर जो पानी होता है या इसके अंदर थोड़ा कच्चापन होता है, तो वो इस तरह से बिल्कुल अंदर तक से अच्छे से फ्राई हो जाता है। और ये अब फ्राई हो चुका है, इसको मैं निकाल रही हूँ यहाँ पर। ये नहीं हुआ है अभी फ्राई, और ये वाला भी फ्राई हो चुका है, तो इसको भी मैं निकाल रही हूँ। अच्छा जी, इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे और मज़ीद। ठीक है जी, ये भी फ्राई हो गया है, इसको भी मैं यहाँ निकाल रही हूँ। और अब हम फ्लेम को करेंगे थोड़ा सा लो, क्योंकि ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म है। और साथ साथ जो है हम आ जाते हैं इसकी तरफ जानेब, ये इसको मिक्स किया हुआ था ना, अगेन हम इसको भी कर लेते हैं। अच्छा, आप लोग ज़्यादा देर इसको करके रखेंगे ना, तो डीप करके रखेंगे और मैरिनेट करके रखेंगे, तो आप लोग को इस तरह से इतनी ज़रूरत भी नहीं होगी जिस तरह मैंने ये फोक करके इसको कवर किया है। मैं दोनों को साथ साथ कर रही हूँ, ठीक है जी। ये एक को मैंने लिया, और देन इसको मैंने अच्छे से मिक्स किया। ठीक है, ये इस तरह से मैंने इसको, और ये इसके बाद। अच्छा, ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म था, तो मैंने अभी फ्लेम को तेज़ नहीं करा है, मैं सेकंड वन डाल के फिर फ्लेम को। और देखें, इतना जो है वो मिक्सचर इसके लिए काफ़ी था, पूरा बहुत अच्छे से ये कवर हो गया और हमारा ज़ाया भी नहीं हुआ है। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं आपको एक और बता दूँ कि अगर आपने 1 kg का बनाना है, तो आप इसकी क्वान्टिटी डबल कर लें, आप 1 cup ले लें, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा ही मिक्सचर बनाया करें, ऐसा ना हो कि वो कम पड़े फिर आपको दोबारा से बनाना पड़े, तो थोड़ा सा आप ज़्यादा ही बना लिया करें। इसका ये देखें, ये क्रिस्प इसका बन गया है, ये यहाँ पर मैंने इसको रख दिया फ्राई करने। जी, ये यहाँ से हम हटा देंगे, चिल वाटर यूज करना चाहिए इसके लिए, और फ्लेम को अब मैं थोड़ा सा इसको मीडियम कर लेती हूँ। फ्लेम जो है वो थोड़ी मैंने मीडियम करी है। अच्छा, इस तरह की जो रेसिपीज होती है ना, स्पेशली वो स्टार्टर्स के तौर पे बहुत मज़ेदार रहती हैं, कि आपने जो है ना वो, अच्छा टी टाइम, क्योंकि टी टाइम हो रहा था, हमारा प्रोग्राम भी आपके टी टाइम के
वक्त आ रहा होता है, तो टी टाइम में भी आप जो है ना इस रेसिपी को बना सकते हैं, और साथ साथ जो है वो अपने बच्चों को लंच बॉक्सेस में दे सकते हैं। बच्चे जो है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो ये इजी टू कैरी होती हैं, आप इजीली इसको जो है ना लंच बॉक्स में रखें और दें, बच्चों को खाने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। अच्छा, इसके साथ साथ जो है ना मैं अब ऐसी रेसिपीज़ बनाया करूँगी यहाँ पर जो बच्चों के लंच बॉक्सेस से रिलेट भी करें, तो इंशाल्लाह मेरा अपकमिंग जो वीक है उसमें मैं ज़्यादातर रेसिपीज़ ऐसी बनाऊँगी। और मैं आपको यहाँ पर टॉफ़ीज़ बनानी सिखाऊँगी और कैंडीज़ बनानी, टॉफ़ीज़ बनानी सिखाऊँगी होममेड। उससे ये होगा कि बाज़ार की जो टॉफ़ियाँ होती हैं, आप बच्चे जो है ना उसमें सम टाइम, क्योंकि मौसम ऐसा है, विंटर सीज़न है, उसमें गले आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, नज़ला हो जाता है बच्चों को, बुखार हो जाता है, लेकिन वो क्या कह रहे हैं, वो इतने एडिक होते हैं, वो मानते ही नहीं है टॉफ़ीज़ के बगैर। अगर आप उनको कहें कि आपने जो है ना वो टॉफ़ीज़ मतलब नहीं खानी है, तो उनको समझ नहीं आती है ना, बच्चे हैं क्योंकि ज़ाहिर सी बात है। तो हम ऐसे करेंगे कि हम ऐसी रेसिपीज़ बनाएं जिससे आप बच्चों को घर में होममेड टॉफ़ीज़ बना के दे सकें। तो अब इंशाल्लाह जो कल मेरा एपिसोड है उसमें मैं आपको होममेड टॉफ़ीज़ बनानी सिखाऊंगी, और मैं आपको कैरामल पॉपकॉर्न बनाने सिखाऊंगी कि कैरामल पॉपकॉर्न किस तरह बनते हैं और टॉफ़ीज़ किस तरह बनती हैं। और बहुत ही सिंपल यकीन जाने रेसिपीज़ होती हैं ये, और बहुत ही मिनटों में बन जाती हैं, और बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, क्योंकि उनको ये होता है घर में बन रही है, सबसे बड़ी खुशी इस चीज़ की होती है। अच्छा जी, ये यहाँ पर जो है वो तो हम देख लेते हैं, ये फ्राई हो रहा है। जब तक ये फ्राई हो रहा है, जब तक टाइम है एक ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। और ब्रेक, और ब्रेक से आ चुके हैं वापस, और हमारी रेसिपी ऑलमोस्ट हो गई है कंप्लीट। डिप मैंने यहाँ पर निकाल दी है, और साथ साथ जो है वो अब मुझे विंग्स इसमें रखने हैं, तो मैं विंग्स रख रही हूँ उठाकर, और मज़ेदार से ये हमारे तैयार हुए हैं क्रिस्पी फ्राइड विंग्स, बिल्कुल ब्रोस्ट स्टाइल में ये तैयार हुए हैं, और ये हम जी तो यहाँ पर बन गए हैं मज़ेदार से, हमारे विंग्स रेडी हो गए हैं। और इसके साथ साथ हमारी इस रेसिपी को आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है, मैंने इसका रिकैप दे दिया था, बहुत ही सिंपल वे में बनी है, बहुत ही मज़ेदार बनी है। और इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि हम कोई ऐसी रेसिपीज़ हैं जो आप लोगों की कुजीन से बिलोंग करती हैं, क्योंकि हर देखने वाले की अलग एक होती है, एक अलग कुजीन से बिलोंग करता है वो, किसी के घर में बलोची खाने बनते हैं, किसी के घर में सिंधी खाने बनते हैं, किसी के घर में मेमनी खाने बनते हैं, किसी के घर में जो है वो दिल्ली वालों के खाने बनते हैं, और जो है अच्छा दिल्ली वालों के खाने बहुत मशहूर होते हैं, और ज़्यादातर लोग जो है वो अपनी कुजीन तो बना रहे होते हैं, लेकिन साथ साथ दिल्ली वालों के स्टाइल से वो बिरयानी, कौरमे और कोफ्ते, इस तरह की रेसिपीज़ बन रही होती हैं। तो इंशाल्लाह मैं वो सारी रेसिपीज़ भी लेकर आने वाली हूँ। आपने सिर्फ क्या करना है, आपने शाम 5 बजे टीवी के आगे बैठना है और मेरा इंतज़ार करना है, और फिर मैंने आके आपको सिखाने हैं यहाँ पर तमाम दुनिया के खाने। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे, मैं रोज़ाना आप लोगों के सामने यहाँ पर खड़ी होती हूँ, आप लोगों से अपनी बातें शेयर करती हूँ, आप लोग मुझे देख रहे होते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं आप सब लोगों को देख रही हूँ, आप सब लोगों को, जो लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं जो मुझे देख रहे हैं, तो मैं भी आप लोगों को देख रही हूँ, और आप लोग इतना मुझसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, और बहुत सारे लोग गेस्ट के तौर पर यहाँ पर मेरे शो पर आते हैं, और मुझे बहुत सारे लोग मैसेजेस कर रहे हैं कि हमें आप अपने शो में कब बुलाएंगी। तो इंशाल्लाह मैं उन सब लोगों को भी ये कह रही हूँ, उन सब लोगों को ये मैसेज दे रही हूँ कि मैं थोड़े थोड़े टाइम में आप लोगों को यहाँ बुलाती रहूँगी, और बहुत अच्छा लगता है मुझे आप लोग आते हैं और अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। तो यही बात है सारी, और इसके साथ ही साथ जो है वो अब मेरे जाने का हो गया है वक्त। इंशाल्लाह मैं आपसे कल मिलूंगी एक नए दिन और एक नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए मुझे और मेरी वीनस आईजी टीवी की टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।